वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे मालपुआ। इसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए वो है शक्कर, या आप गुड़ भी ले सकते हैं, मैदा, तलने के लिए रिफाइंड ऑयल, कोई सा भी रिफाइंड ऑयल आप ले लें, सफ़ेद तेल और सूजी थोड़ा सा, करीब एक किलो मैदे में आपको 250 ग्राम के आसपास का सूजी की आवश्यकता है और सौंफ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बड़ा सा एक ठो बर्तन ले लें, उसमें डाल लें मैदा। आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप मैदा लें और फिर उसके अंदर मैदे में आप मिला लें सूजी। आप चाहे तो शक्कर आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या चाहे तो शक्कर डायरेक्ट भी दे सकते हैं। उसको आपको अच्छे से घोल लेना है। मैं यहाँ पर शक्कर का यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें आप ऐड कर लें सौंफ। और ये सारे सामग्रियों को आप अच्छे से मिला लें। अब पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लें। इसको बहुत अच्छे से आप हाथ से मत के बनाइएगा ताकि अंदर के जो शक्कर है वो पूरी तरह से घुल जाए। आप चाहें तो शक्कर का बदले आप अगर शक्कर स्किप करना चाहते हैं तो आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ आज आपको शक्कर से बना के बता रही हूँ। आप देख सकते हैं पूरा जो शक्कर है वो मिल गया है। यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ। इस समय आप थोड़ा सा नारियल का चूरा इस पर डाल लें। और अच्छे से मिला के एक मोटा सा बैटर तैयार कर लें। इसी बीच आप कढ़ाई में तेल रख दें गर्म होने के लिए, क्योंकि हमको ये अब फ्राई करने हैं। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुकी है। अब हम लोग इसी तेल में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बैटर लेके हम लोग इसको ऐसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक तरफ अच्छे से ये सिका गई है। अब हम लोग इसको दूसरी तरफ के लिए पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह से सुनहरा होने तक का तल के निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं एक दोनों तरफ ये अच्छे से सिका गई है। अब हम लोग इसको अच्छे तेल को जो है झड़ा लेंगे और इसको निकाल लेंगे। लीजिए बन के तैयार है मालपुआ। आप चाहें तो इसको ऐसे सूखा ही खा सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में मीठा डला हुआ है। और अगर आप चाहें तो शक्कर की चाशनी में भी इसको डिप कर सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उसी हिसाब से इसको खाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।